हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पिंकी जी की सिंपल रेसिपीज में। आज की जो रेसिपी है ना, वो सिर्फ 5 मिनट में, गारंटेड 5 मिनट में बन के तैयार होने वाली है और खाने में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यमी है। ठीक है, ये जो दाल आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं हम सूखी उड़द की दाल, या फिर पंजाबी में इसको हम लोग कहते हैं कि मूंगी तोती की दाल, है ना। तो ये इसको सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है, ये तड़का वड़का लगा के फुल्ली रेडी हो जाती है। परांठे के साथ मस्त लगती है ये दाल। मैंने ना 250 ग्राम दाल ली है, ठीक है। उसको ना 1 घंटे पहले आपको पानी में भिगो के रख देना है, ठीक है। और ये देख लिए, इस स्टेज तक आपको पानी में भिगोना है। ये देखो, तोड़ने से ये टूट रही है ना, दैट मीन्स ये सेट है दाल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बॉईल करना है। तो कुकर की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कढ़ाई में ही बॉईल करेंगे। कढ़ाई में बॉईल करने के लिए मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है। मेरी 250 ग्राम दाल है तो 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है, ठीक है जी। अब इसको दाल में दाल को पानी में डाल दीजिए और उसको बॉईल होने के लिए रख दीजिए, ठीक है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। और देखिए, जब तक इस स्टेज तक ये ना कुक हो जाए, हमें इसको ना 70-80% तक कुक करना है हमें इस स्टेज तक, ठीक है। अब उसको छान के दाल को आप साइड पे रख लीजिए, मीनवाइल हम इसका तड़का तैयार करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें 2-3 टेबलस्पून कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, मैंने लिया है इसमें तेजपत्ता, बड़ी इलायची, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च। ये खड़े मसाले जब तक अपना फ्लेवर इन्हेंस करते हैं, रिलीज करते हैं अरोमा, इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने लंबा अदरक काट लिया है इसके लिए, और हरी मिर्च को भी लंबा ही काट लिया है। आप ये दोनों चीज़ें इसमें डाल दीजिए। 1 इंच के करीब मैंने अदरक लिया था और 2 मैंने इसमें हरी मिर्च ली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं इसमें। और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने इसमें। आप जब तक इसको भून लीजिए तब तक इसमें से कच्चा पन्ना निकल जाए, पेस्ट में से, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसमें से कच्चा पन्ना निकल जाए, तब तक आप उसको अच्छी तरह से भून लीजिए। इसके बाद में आपको इसमें प्याज ऐड किया है, मैंने प्याज को भी लंबा काट लिया था। अच्छी तरह से भून लीजिए मसाला जब तक पक जाता है। देखिए, प्याज को ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट ही रखना है हमने इसको। प्याज जैसे ही पिंकिश सा हो जाए आप इसमें सूखे मसाले ऐड कर दीजिए, नमक, लाल मिर्च, हल्दी एंड काली मिर्च। जब मसाले भुन जाएं उसके बाद में आपको इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। अब इस स्टेज में मसाले को अच्छी तरह से पका लीजिए। अब उसके बाद में मैंने मसल की हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी है इसमें। अच्छी तरह से मसाले को पका लीजिए। सिम आंच पे ही मसाला पकाइएगा। ये देखिए, ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है ना। इस स्टेज में आपको इसमें दाल को ऐड कर देना है, जो हमने पका के यानी बॉईल करके रखी हुई थी दाल, इसको ऐड कर दीजिए इसमें। दाल को अच्छी तरह से उस मसाले में मिला दीजिए। अब आपका जो बॉयल वाला पानी था ना, ये तो मैंने फ्रेश पानी लिया है 1 कटोरी के करीब। आपका जो वो बॉयल वाटर था जिसमें हमने दाल को उबाला था, आप वो पानी भी ले सकते हैं। बस 1 कटोरी पानी डाल के अब इसको ढक के आपको पकाना है। धनिया भी डालना है, आप डाल सकते हैं या बाद में डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको ढक के आप 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए।
देखिए, अब जब आप ढक्कन हटाएंगे तो ये ऑलरेडी पक चुकी होगी सारी दाल। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है पकने में। और देखिए इसका एक एक दाना कितना अलग अलग सा है ना। कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि ये ना दाल बहुत मशी सी और वो लेसली सी दाल बनती है ना, लेस लेस, वो इसमें बहुत लेस होती है, ये लेस वाली दाल बनती है एक्चुअली। पर देखिए मेरी दाल जो है एकदम एक एक दाना अलग अलग बना है ना, ये दाल एक्चुअल में ऐसी ही बनती है। देखिए क्या तो रंगत आई है इस दाल की, और कितनी ही देखने से कितनी अच्छी लग रही है ना। अब आपको इसका मेथड पता चल गया है बनाने का, है ना। अब आपकी कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, बस फटाफट से बनाइए और खा डालिए किसी के भी साथ, रोटी के साथ, परांठे के साथ, ठीक है। और प्लीज़ इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए फटाफट से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इजी इजी पिंकी जी द्वारा बनाई हुई रेसिपीज़ को देखने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।